आयुर्वेद का सूत्र है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं उनका निदान मतलब उनका इलाज है कुपित मल को निकाल दो। फोड़ा, फुंसी, उल्टी, जुकाम, दस्त और बुखार ये मित्र हैं। बीपी हो गया, गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। हमें पता ही नहीं गोली करती क्या है। शुगर हो गया, आपको शुगर है, मान लो 300 शुगर है आपको, आपने गोली खाई 150 आ गई, वो 150 कहाँ गई? वो शरीर के अंदर ही किसी अंग में जाकर इकट्ठी होती रहती है। इसीलिए ब्लॉकेजेस हो रही हैं, इसीलिए पथरियाँ बन रही हैं, इसीलिए किडनियाँ फेल हो रही हैं, इसीलिए लीवर फेल हो रहे हैं, इसीलिए कैंसर की गांठें बन रही हैं। कैंसर क्या है? गांठ ही तो है, एक ट्यूमर ही तो है, फोड़ा ही तो है एक तरह का। पहले वो बारिश के पानी में आते थे, बाहर हो जाता था, फटता था, सारी पस निकल जाती थी। आजकल अंदर होता है और फटता भी अंदर ही है। फिर जब अंदर होगा तो अंदर ही घूमेगा, पहले बाहर हो जाता था, बढ़िया था ना। और शरीर जो भी करता है, एक चीज दिमाग में डाल लो, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मेरा शरीर, ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, इसके मुकाबले गर्दन के नीचे का हिस्सा सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। बस ये समझ लो, ये जो करता है इस पर विश्वास करो, ये सही कर रहा होगा। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो समझो बॉडी ने खुद बढ़ाया है किसी वजह से। किसी अंग में खून का दौरा नहीं पहुंच रहा, जैसे जितने भी किडनी के पेशेंट है सबका बीपी हाई होता ज्यादातर, क्योंकि आपका अंग फेल है, कमजोर है, वीक है, वहां पे टिश्यू डैमेज हो गया, डेड हो गया या वीक हो गया या सिकुड़ गई किडनी, तो बॉडी वहां खून पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस चक्कर में आपका बीपी हाई कर रखा है उसने। आप कह दो ना गोली से घटा, तो किडनी और खराब होएगी कि ठीक होएगी? मैं ये नहीं कह रहा बीपी हाई रहना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन पहली बात बॉडी कर क्यों रही है ये समझो। शरीर कुछ भी करता है आपको बचाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, आपको लंबी उम्र के लिए रखता करता है जो भी करता है शरीर। लेकिन हम गलत खाने पीने, गलत लाइफस्टाइल की वजह से उसको बिगाड़ कर खराब कर लेते हैं। तो आपने सवाल पूछा था मेरी तिल्ली बड़ी हुई है, आपकी तिल्ली बड़ी हुई है, किसी का लीवर बड़ा हुआ है, किसी की जुबान बड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जीभ नहीं कटवाई, पता है कि नहीं पता आपको? ऑपरेशन करवाया उसने जीभ का, खांसी आती थी ना उनको, तो जीभ का ऑपरेशन कराया उसने, वो बढ़ गई थी। लोग कई सुनते हैं नाक की हड्डी बड़ी हुई है, कईयों को सुनते हैं ना नाक की हड्डी बड़ी हुई है, डॉक्टर बोलते हैं साइनस, तो आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, लाओ ऑपरेशन कर देते हैं। अरे बढ़ कैसे जाती है, क्या है बड़ी, क्या है बड़ी? कुछ नहीं होता, उसमें कचरा जम जाता है, टॉक्सिन्स जम जाते हैं। आयुर्वेद का सूत्र है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं उनका निदान मतलब उनका इलाज है कुपित मल को निकाल दो। कुपित मल मतलब बॉडी के अंदर जो पड़े हुए टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, बुरी वायु है और जमा हुआ मल है, उसको निकाल दो। तो अंग आपका, अब लीवर फैटी है या लीवर एनलार्ज है, उसका मतलब क्या है कि लीवर मेरा बढ़ गया, तिल्ली मेरी बढ़ गई। ऐसे ही जो बॉडी का अंग, लोगों को पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेनक्रियाज ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अच्छा आपके पैर में सूजन आती है, वो क्यों आती है? आप कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो सूजन क्यों आती है? मैंने क्या बोला, बॉडी कौन है? इंटेलिजेंट। तो बॉडी को कहीं चोट लगी तो शरीर क्या करता है, वहां पे खून का दौरा बढ़ाकर वहां पर बॉडी के रिपेयरिंग करने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ा देता है, ताकि वहां रिपेयरिंग चले। जब आपकी तिल्ली बढ़ी थी तो पहले तो बॉडी ने अपने भले के लिए बढ़ाई थी, और तिल्ली बढ़ी हुई बहुत जल्दी ठीक होती है। सिर्फ आपको भोजन कितने टाइम का करना है, और बॉडी से क्या निकालना है आपने, अपनी गंदगी, टॉक्सिन्स। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेरा बसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।